सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हो दोस्तों, होप करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपको घुमाने वाला हूँ जलंधर के कुछ एरिया। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस। तो दोस्तों आज हम चलाने वाले हैं पतंग। आज पतंग को उड़ाना है दोस्तों, मैं लाइफ में पहली बार आज पतंग उड़ाने वाला हूँ। आज तक मैंने कभी भी पतंग नहीं उड़ाई है। चलो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उड़ पाती है कि नहीं पाती है। आपको ये देखो जी, वंस हम मुझे सिखा रहा है पतंग उड़ाना। ये देखो नीचे कर दिया इसने। अभी पतंग को कैसे उड़ाया जाएगा देखते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, ये देखो नीचे से ऊपर फट ना जाए, देख लेना। अरे अरे अरे, ये देखो उड़ी उड़ी, हवा बहुत है, देखते उड़ा पाता है कि नहीं। और ये देखो हर्ष कितना खुश है, ओए पतंग उड़न लगी है पतंग। अब इस पतंग में छेद है इसलिए यहाँ पे सेलो टेप लगानी पड़ेगी हमें, इसीलिए उड़ नहीं पा रही है। चलो सेलो टेप लगाओ और उड़ाते हैं। दोस्तों अब जैसे ना मौसम बदल गया है, थोड़ा गर्म सा हो गया है, मतलब अब धूप में बैठ सकते हैं पर लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ सकते, तो उसका भी जुगाड़ हमने कर लिया है। ये देखो ये शर्ट से बना दी हमने, कितना दोपहर में भी हम बैठ सकते हैं। ये देखो इस तरह की हमने शर्ट बना दी, इसके नीचे बैठते हैं तो छाँव छाँव से रहती है और धूप के भी मजे आते हैं, और नीचे बैठते हैं तो गर्मी ठंड लगती है, तो इसलिए हम नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं, तो ऊपर बैठते हैं तो गर्मी लगती है। तो इसके बीच का रास्ता ये है कि हमने ये शर्ट सी बना दी है। देखो हर्ष अपनी बुआ के साथ कैसे खेल रहा है। ओए चल मेरे घोड़े, ए ये देखो जी, ये देखो जी टेप इस तरह से लगाई जाती है, जुगाड़ अगर फट जाए तो हम इस तरह से टेप लगा के उसको जुगाड़ कर सकते हैं। पीछे से भी लगा दो, हाँ इस साइड से लगा दो। ये देखो जी टेप लग चुकी है अच्छी तरह लगा दो। देखो जी ये देखो अब फिर से उड़ने लगा। अरे ये देखो हमारी पतंग अब ऊपर जा रही है, हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई ड्रोन आएगा इस साइड तो उसे भी हम उतार सकेंगे। देखो जी इसलिए प्रैक्टिस चल रही है, शंभू बॉर्डर पे जाके इसी को लेके जाऊंगा और लगा दूंगा उस काम पे भी कि भाई ड्रोन को उतारने के लिए। ये देखो प्रॉपर चढ़ गई है, दिखाना चाहता हूँ। ये देखो जी पतंग लूटने के लिए लोग, यार बच्चे छोटे छोटे कैसे पीछे भाग रहे हैं, और देखो वो पतंग आ गई है और बच्चे फाइनली। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो जी बच्चे आ रहे हैं, है ना। वो देखो बच्चे वो देखो कैसे भाग रहे हैं यार, वो देखो कहाँ के तो उनमें से अंदर घुस रहा है और वो लूटने के लिए पीछे पागल है। देखो हमारे घर पे ये पतंग आई है और दीदी ये पकड़ने के लिए, ये देखो जी आ गई हमारे घर पे पतंग आई और मम्मी ने ये पकड़ ली फाइनली। आ गई पतंग, ये देखो जी पतंग पकड़ी है जी। साहिबा कैसा लग रहा है पतंग पकड़ी? ओहो फाइनली, ये देखो पतंग फाइनली, ये आ चुकी पतंग लूट ली, हमारे घर के पास आ गई है ये पतंग। ये देखो जी बहुत ही मजेदार, मम्मी ने लूटी है ये वाली पतंग, फाइनली आ गई ये वाली पतंग। ध्यान ना लागी ना, ऐसा नहीं आंदी। ये देखो दीदी धागा धागा लपेट रही है, मैंने आज तक उड़ाई नहीं है पतंग कभी। ये देखो पैर फंस गया, रुक जा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पतंग यहाँ पे भी, और मैं उसे लेने आया हूँ पतंग को। ये देखो जी पतंग किस तरह की है, ये देखो पतंग उठाने आया मैं, मम्मी ने मुझे भेजा। तो गाइस अभी हम देखो फाइनली सीख गए हैं चलाना, तो बड़ा मजा आ रहा है। ऊपर देखो कैसे मैं चला रहा हूँ तारों से बचा के, फर्स्ट टाइमर हूँ और पहली बार चला रहा हूँ। देखो ओहो पर मैं सीख गया भाई, बड़ी मस्त तरीके से बनी है ये वाली। उतार दा नीचे, नहीं नहीं चढ़ाई रखो, तागा बनी है ना। हाँ हाँ तागा बन। ये देखो जी हमारा पेचा लगने वाला है, और देखो तो फंस गया पेचा। ये देखो हमसे पंगा लेने लगा था, पतंग उसकी पड़ गई। ये देखो जी ये गंजी हो गई पतंग, ये तो उसकी गंजी हो गई पतंग, तब भी लगा हुआ है, लगा कट 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 हो। यस पेचा लग गया फाइनली। ये देखो क्रिश लगा हुआ है कन्ने को, क्रिश पेचा लग गया फाइनली, देखते कौन जीतता। उसकी तो फट गई, क्या क्रिश, जा यार फटी पतंग ना, जा ना लेके लेके ले। अभी इनसे मैं लेता हूँ और मैं उड़ाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि मैं उड़ा पाता हूँ कि नहीं। दो स्टार्ट गाइस, ये देखो जी फिर अब दूसरी पतंग हम उड़ाने लगे। अब देखो ये कितनी हाइट पे जाती है, दिखाओ क्रिश। ये देखो जी बहुत ऊपर तक जाएगी ये पतंग, अरे फटा की। तो साहिबा की बारी, साहिबा अभी चला रही है।
साहिबा कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद? ये देखो कितनी ऊपर तक चढ़ा दी है साहिबा ने। ओए होए होए होए, ये देखो जी हीरोइन आई बड़ी है। तुम पहले भी उड़ाते थे क्या? उड़ाते थे पहले? उड़ाती थी। वाह क्या बात है, ये फ्यूचर उड़ा ही नहीं पा रही है। मैं तो मैंने इतनी ऊपर तक चढ़ाई है ये पतंग। वो व्हाइट वाली कट गई पतंग। व्हाइट वाली कट गई, व्हाइट वाली कट गई। मैंने मैंने कट करी पहली बार। यार क्रिश शर्म कर, पहली बार रानी हो रही है भाई। ये होता एक्सपीरियंस फेमस एंटी कमरी में। चल भाई बात कट्टी पहले क्रिस के बाल सारे का टेस्ट ही पकड़ो। सो गाइस आप देख रहे हो कि मतलब अभी दिल्ली के बॉर्डर पे क्या हो रहा है और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे क्या हो रहा है कि हर जगह मतलब कि बैरिकेटिंग बड़ी तगड़ी वाली कर रखी है। तो हम भी बता देते हैं, ये देखो जी हमारे यहाँ पे भी ये कितना ना मिट्टी पड़ी हुई है और बैरिकेटिंग। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली कल यहाँ से ट्रॉली जा रही थी तो मतलब कि बहुत बड़ा ट्राला था तो वो अटक ही गया यार। फिर फाइनली उन्होंने एक डिसाइड किया, वो देखे जी वो पतले से रास्ते से वो जाने की कोशिश कर रहा था पर वो जा नहीं पाया तो फिर उसने यहीं पर मिट्टी ढेर करी और यहाँ से भी जा रहा है। तो अभी हमारे लिए अच्छा, अभी रोड जब तक नहीं बन रहा है तब तक तो मतलब कि ये मिट्टी से भी मतलब कि बारिश वरिश में जो गड्ढे भर जाते हैं वो भर सकते हैं। तो अभी भरवा भी रहे हैं हम, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा। सो गाइस ये है हमारे रामा मंडी का एरिया। यहाँ से जैसे मैं आपको स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा ये किस तरह का एरिया है। ये है रामा मंडी, आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाती है और उसके बाद जाके आके आपको हाईवे मिलेगा। सो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस हाईवे की, ये है जो हाईवे आप देख रहे हो जो नज़र आ रहा है ये अमृतसर से लेके दिल्ली तक का हाईवे है और ये बहुत ही लंबा, ये हाईवे बिजिएस्ट हाईवे में से एक है कि यहाँ पे मतलब आप गाड़ियाँ देख सकते हैं। देखो जी ये मेन हाईवे, अक्सर आपने देखा होगा ये हाईवेज वगैरह मतलब रश ज़्यादा नहीं होता है पर इस हाईवे में आप देख रहे हो कि रश कितना ज़्यादा है। और ये देखो जी यहाँ से डाइवर्जर आगे को दिया हुआ है और अमृतसर के लिए जाना तो यहीं से डाइवर्ट करके आपको आगे जाना पड़ेगा। तो गाइस ये आप देख रहे हो वाजरा द्वार, ये है कैंट के लिए एंट्री, ये दूसरी एंट्री है और यहाँ की डेकोरेशन आप देख सकते हो, विजयंता टैंक वगैरह भी यहाँ पे हैं। और ये देखो जी मेन एंट्री और एक देखो जी निकासी कितनी अच्छी तरह करी हुई है, एक तो बाहर की तरह उभरी हुई है, ये जो पिक्चर है फोटोज बन रखी है और ये है द्वार। तो गाइस ये वाला जो रोड देख रहे हो ये वाला है आपका BSF चौक की तरफ जाने वाला रास्ता और ये वाला जो रास्ता है ये मतलब बहुत ही ट्रैफिक होती है नॉर्मल डे में। एम्बेसडर रोड आप इस तरफ देख सकते हो तो ये आगे सीधा जाता है ये रास्ता, तो इस साइड भी कैंट आपको रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए। और गाइस ये देखो जी ये है बस स्टैंड ऑफ जलंधर, देखो जी कितना लाजवाब है और कितनी बसें एक साथ खड़ी हैं। और ये वाला रास्ता देखो सिर्फ बसों के लिए कर दिया अभी, ऑटो बस और सिर्फ नॉर्मल स्कूटी वगैरह, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से बहुत ट्रैफिक हो जाता था। और ये देखो जी मेन आप बस स्टैंड का व्यू एंजॉय करो यार, कितनी बसें हैं और हर स्टेट को हर जगह के लिए यहाँ से बसें मिल जाती हैं।